एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक नगर में घूम रहे थे। उस नगर के आम नागरिकों के मन में बुद्ध के विरोधियों ने यह बात बैठा दी थी कि वह एक ढोंगी है और हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। इस वजह से वहाँ के लोग उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। जब नगर के लोगों ने बुद्ध को देखा तो उन्हें बुरा भला कहने लगे और बददुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध नगर के लोगों की उलाहने शांति से बिना बोले सुनते रहे, लेकिन जब नगर के लोग उन्हें बोलते बोलते थक गए तो महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हों तो मैं यहाँ आ जाऊँ। भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर वहाँ के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। वहीं खड़ा एक आदमी बोला, ओ भाई, हम तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम तो तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं, क्या इसका तुम पर कोई असर नहीं होता? बुद्ध बोले, आप सब मुझे चाहे जितनी भी गालियाँ दो, मैं उन्हें लूँगा ही नहीं। आपके गालियाँ देने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। बुद्ध आगे बोले, और जब मैं इन गालियों को लूँगा ही नहीं तो यह कहाँ रह जाएंगी? निश्चित ही आपके पास। मित्रों, बुद्ध के जीवन का यह छोटा सा प्रसंग हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि बहुत से लोग अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऐसा कर हम स्वयं के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं। यह सब हम पर निर्भर है कि हम लोगों के नेगेटिव बातों को कैसे लेते हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं या नकार रहे हैं।